हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल नुस्खे में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने दांत, खाज, खुजली, दिनाए को लहसुन से कैसे खत्म कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही नुस्खा बताने वाले हैं कि आप लहसुन से अपने दांत, खाज, खुजली को पुराने से पुराने खत्म कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो आप अपनी दांत के दांत खाज खुजली के मुताबिक लहसुन की पुतियों को ले लीजिए। हम इसका छिलका उतार लेते हैं दोस्तों, फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, हमने लहसुन की पुतियों का छिलका उतार लिया है, अच्छी तरह से इनको साफ कर लिया है दोस्तों, ताकि इस पे से धूल मिट्टी के जो कड़ होते हैं वो हट जाएं और हमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। दोस्तों, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आपको इसको दो बार ट्राई करना है दिन में, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें और क्या क्या लेना है। हमें दो चीजें इसमें और ऐड करनी है जिससे हमारा दांत, खाज, खुजली बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, हमें इसको कूटना है। आप कोई भी इमाम दस्ता या कुटनी वगैरह ले लीजिए, या आप सिलबट्टे पर भी इसको कूट सकते हैं। तो इसमें लहसुन की पत्तियों को डाल करके हमें इसमें कूट लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको कूट लिया है, जितना चाहें आप उतना बारीक इसको कर सकते हैं। और हम इसको निकाल लेंगे अपने एक कटोरी में, जिसमें आप ये नुस्खा बनाएं उसी में आप इसको निकाल लीजिए दोस्तों। और इसमें आपको क्या चीज़ ऐड करनी है, आपको लेना है इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, यानी कि आप ताज़ा एलोवेरा भी ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है तो मैं आपको ये एलोवेरा जेल मार्केट वाला बता रही हूँ। तो दोस्तों, हमें लगभग इतना एलोवेरा जेल लेना है। ये हमारे दांत, खाज, खुजली वाले एरिया को जो है ठंडक देता है दोस्तों, साथ ही उसमें आग जो है कम करता है हमारे दांत, खाज, खुजली की। अब आपको इसमें एक चीज़ और लेनी है दोस्तों, वो है टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर हमारे दांत, खाज, खुजली को बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है। तो हमें दो चुटकी के करीब लेना है हल्दी पाउडर, और इसको भी हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हमारा नुस्खा बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब आपको इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको लेना है इस तरीके से और अपने दांत, खाज वाले एरिया को अच्छी तरह से आप पहले साफ कर लीजिए, फिर इसको आपको इस तरीके से मसाज सी करनी है, मतलब दांत को पूरा अच्छी तरह से कवर कर दीजिए इसको लगा करके। थोड़ी सी आपको जो है इचिंग होगी, यानी कि थोड़ी सी मिर्च सी लग सकती है, क्योंकि लहसुन जो है हमारे दांत, खाज पे जो है लगेगा दिनाए पे, लेकिन ये आपके दांत, खाज, खुजली को, दिनाए को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आप सुबह को लगाइए और एक बार शाम को लगाइए, दिन में दो बार आप ये करके देखिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका दांत, खाज, खुजली पुराने से पुराना ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।